मैसूर डॉक्टर सुनीता गुप्ता, आई एम बी एच एम एस डी एन एच एन एफ एन सी फ्रॉम जर्मनी। और जो आज का टॉपिक है इस रिलेटेड टू इंडिस्पोजिशन डिजीज़। इंडिस्पोजिशन डिजीज़ क्या होती है? ये हमारे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का एक टॉपिक है और उसके अंदर अच्छे से एफोरिज्म के अंदर अगर आप गो थ्रू करना चाहते हो तो उसमें जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बट मैं एक बेसिक डिटेल के लिए आई हूँ तो मैं इसलिए आपको ऊपर से बता देती हूँ कि इंडिस्पोजिशन डिजीज़ कौन सी होती है। और एक लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में आई कैन ट्राई टू कन्वे कि आपको समझ आए और आपको पता चले कि इंडिस्पोजिशन डिजीज़ क्या होती है। इंडिस्पोजिशन डिजीज़ होती हैं जिसको आप सेल्फ सब्साइड कर सकते हैं, और अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो आप काफ़ी बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। उस डिज़ीज़ को आप खुद से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एक्साइटिंग कोर्स होता है और जो मेंटेनिंग कोर्स होता है उसको हटाया जाता है विदाउट मेडिसिन दिए हुए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फ्लावर्स से प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स से प्रॉब्लम है और मैरीगोल्ड के फ्लावर एक रूम में रखे हुए हैं। व्हेन यू एंटर द रूम तो आपको छींकें आने शुरू हो जाती है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे उस मैरीगोल्ड के फ्लावर को, बिकॉज आपको उससे एलर्जी है, तो उसको उस रूम से हटा दिया जाए तो आपको छींकें आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चेंजेस करने होते हैं लाइफस्टाइल में जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी सबसाइड हो जाती है, और ये सेल्फ सबसाइड आप कर सकते हो। इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो बट मेडिसिन की ज़रूरत इन डिजीज़ में नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हो और आपको बार बार कफ़ की ज़रूरत, कफ जो बहुत डैम्प एरिया में रहते हो जहाँ पर आपको कफ हो जाता है बार बार, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा या तो डैम्प एरिया में नहीं रहना है या फिर आप ऐसे वेदर में रहिए जो आपको सूट करता है, ठीक है। अब आपको चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम सबसाइड करनी है। अब जैसे मान लीजिए रात को आपने नींद प्रॉपर नहीं लिया और आपको हेडेक हो रहा है, तो आपको इसमें दवाई नहीं दी जाएगी, आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, अपनी 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, तो आपको हेडेक कंप्लीटली सबसाइड हो जाएगा। तो कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे कि आपकी डिजीज़ खुद पे खुद रिजॉल्व हो जाती है, उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है और ये कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। तो मैं इंडिस्पोजिशन डिजीज़ के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको आपका मेंटेनिंग कोर्स नहीं पता होता, तो आपको खुद से भी एनालाइज करना चाहिए कि कई बार खाना क्या खा रहे हैं आप, क्या चीज़ पी रहे हैं, जैसे कि आपको कई बार सोरियासिस की प्रॉब्लम जो है चिली खाना खाने की वजह से भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा यू नो सन में निकलने की वजह से भी सोरियासिस हो जाता है या माइग्रेन हो जाता है। तो आपको आपका कोर्स जो है, जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद से सेल्फ सब्साइड कर सके कुछ डिजीज़ को, ठीक है। जब आप ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान है उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है और उसको सर दर्द हो रखा है, ठीक है, तो रात को उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिया एंड मॉर्निंग में ही कम टू अ डॉक्टर कि मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, तो उसका मेंटेनिंग कोर्स और एक्साइटिंग कोर्स जो है वो अल्कोहल है। तो इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि आप अपनी नींद पूरी कीजिए, प्लस जो भी यू नो नींबू या कुछ आप चाट लीजिए, नींद पूरी कीजिए और अल्कोहल दोबारा मत लीजिएगा, ठीक है। इतने इंटरवल के लिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है। तो ये एक्साइटिंग कोर्स और मेंटेनिंग कोर्स को हटाना हो गया, इसके लिए मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो कोर्स हटा देंगे तो खुद पे खुद आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इंडिस्पोजिशन डिजीज़ होती हैं, और ये इंडिस्पोजिशन डिजीज़ को सिंपल वे में समझाया जाए तो एलिमिनेशन ऑफ एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कोर्स होता है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इस तरीके से ही ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। और ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इसको अफेक्शन किस वजह से होता है। कई लोग स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से GIT डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाना, पेट के अंदर गैस बनने लग जाना, कई लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रेस आप जितना कम रखोगे या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर दोगे तो आपकी आपको GIT का प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू योर स्ट्रेस है वो नहीं होगा। तो कई बार आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में से, अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों को सबसाइड और एलिमिनेट भी करना पड़ता है अपनी डिजीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट फाइंड आउट द कोर्स एंड जस्ट एलिमिनेट इट।
ओके, दिस इज़ कॉल्ड इंडिस्पोजिशन, और ये इनको ही इंडिस्पोजिशन डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंड अगर किसी तरीके का इंडिस्पोजिशन डिसऑर्डर अगर आपको है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई रियली वॉन्ट टू नो, एंड मे बी आई हेल्प यू इन दैट इंडिस्पोजिशन डिसऑर्डर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आई गिव यू सच इन्फॉर्मेशन विच इज़ रियली हेल्पफुल इन योर लाइफ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।